भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 287 रन बनाए। जवाब में शिमरॉन, एटमायर और शाही होप की शतकीय पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने करीब 48 ओवर में महज 2 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई वनडे में जैसे रनआउट दिया गया उसे लेकर विवाद हो गया। 48वें ओवर में 1 रन चुराने की कोशिश में रविंद्र जडेजा रॉस्टन चेस की थ्रो पर रनआउट हो गए। फील्ड अंपायर ने जडेजा को नॉट आउट करार दिया था। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने रनआउट को लेकर ज्यादा अपील भी नहीं की थी, लेकिन ज्वाइंट स्क्रीन पर रीप्ले देखने के बाद उन्होंने थर्ड अंपायर से रिव्यू की मांग की। 21 गेंद पर 21 रन बनाकर खेल रहे जडेजा को थर्ड अंपायर ने आउट दिया, जिस पर विराट कोहली भी भड़क गए। मैच खत्म होने के बाद जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो कोहली ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कोहली ने कहा कि खिलाड़ी ने अंपायर से रनआउट के बारे में पूछा और अंपायर ने इन पर ना कहा, इसको लेकर बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। बाहर बैठे लोग फील्डर को नहीं कह सकते और इसके बाद फील्डर अंपायर से ये ऐसा फैसला रिव्यू करने के लिए नहीं बोल सकते। ऐसे क्रिकेट में होते मैंने पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता नियम कहाँ है। इस बारे में अंपायर और रेफरी को देखना चाहिए। मैदान के बाहर बैठे लोग फील्ड में खेल रहे लोगों को निर्देश नहीं दे सकते और यहाँ कुछ इस तरह की बात हुई जो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। इस मैच में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा, जबकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहित, राहुल, विराट ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन रविंद्र जडेजा का रनआउट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। LD News Room की रिपोर्ट।